हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मोशन ऑन प्लेन का एक क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ माइनस के एफ के कैप एक्ट ऑन पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ जो है द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो ओरिजिन पर लग रहा है। द टॉर्क अबाउट द पॉइंट वन कॉमा माइनस वन, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ। क्वेश्चन ये है, तो इसमें जो कंसेप्ट है पहले की कंसेप्ट वो जरा समझ लें। टॉय इज इक्वल टू वेक्टर इक्वल टू टॉय वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्योंकि तो टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में निकालना है, इसलिए टॉय वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसमें आर वेक्टर का कंसेप्ट होता है कि हियर जो आर वेक्टर है उसका नेम क्या है। तो आर वेक्टर का जो नेम है ये पोजिशन वैक्टर है, पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं जानते हो? जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच वी वॉन्ट टू डिटरमाइन द टॉर्क। अब इसका क्या मतलब होता है? जिस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर होता है उस पॉइंट पर तो आर वेक्टर का हेड आता है, और जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना होता है, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट में पॉइंट अबाउट विच वॉन्ट टू डिटरमाइन द टॉर्क, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होता है वहां पर टेल आता है। नहीं समझ में आया तो देखो एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक डायग्राम है, इस वाले पॉइंट पर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट का नाम क्या है? यहाँ पर पॉइंट पी का नाम है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और मान लो पॉइंट ओ के अबाउट आपसे टॉर्क पूछ रहा है, तो यहां पर पूछ रहा है टॉर्क ऑन बॉडी, ऑन अ बॉडी अबाउट पॉइंट ओ। तो जानते हो पोजीशन वेक्टर लिखना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो जिसका पोजीशन वेक्टर होता है, जैसे यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स ही है, यहां पे तो हेड आएगा, और जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है उस वाले पॉइंट पर टेल आएगा आर वेक्टर का। ये जो आर वेक्टर है उसका हेड कहाँ आएगा? हेड उस पॉइंट पर आएगा जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, और टेल उस पॉइंट पर आएगा जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछ रहा है। बस ये इतना सा कंसेप्ट है इसमें। अगर आपको ये समझ में आया हो तो देखो आपका एक डायग्राम बनाए कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ऐसे ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ये कॉर्जिन ऑरिजिन है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, इसी जगह पे फोर्स लग रहा है, इसका नाम हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये। और एक्स बराबर 1 और वाई बराबर -1, ये एक पॉइंट हो गया जिसके अबाउट वो हमसे टॉर्क पूछ रहा है, तो इसको मैं ए कह देता हूँ, 1 -1। तो बताओ अब टेल कहाँ आएगा? आप बताओ, तो ए पॉइंट पर आएगा, और हेड कहाँ पर आएगा? ओ पॉइंट पर, क्योंकि तो फोर्स यहीं पे लग रहा है, बोल रहे ना फोर्स कहाँ लग रहा है आपका? पॉइंट ओ पे लग रहा है, और किसके अबाउट टॉर्क पूछ रहा है? 1 -1 के अबाउट पूछ रहा है, इसीलिए टेल इसमें जो लिखेंगे वो हमारा टेल आएगा इस वाले पॉइंट पर, और हेड आएगा इस वाले पॉइंट पर। दिस इज द आर वेक्टर एक। अब इस आर वेक्टर को निकाले कैसे? तो देखो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, इसीलिए पॉइंट ओ का अगर मैं आर लिखूं तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0i+0j के, पॉइंट ओ का। और ए पॉइंट का लिखें तो आर ए वेक्टर कितना आएगा? इसके कोऑर्डिनेट एक्स में i कैप है, ए 1 है, और वाई कैप में
माइनस वन है, तो क्या लिखे, आई कैट प्लस माइनस वन है इसलिए माइनस वन, और ये जे कैट, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप। अब ये तो ए पॉइंट का हो गया, ये ओ पॉइंट का हो गया, लेकिन मेरे को निकालना है आर वेक्टर, इसीलिए आर वेक्टर इक्वल टू जब लिखते हैं तो सॉरी आर वेक्टर जब निकालते हैं हम तो हेड किस पॉइंट पर है, ओ पॉइंट पर, हेड कौन से पॉइंट पर है, ओ पॉइंट पर, तो जानते हो आर वेक्टर जब निकालेंगे तो जिस पॉइंट पर हेड होता है उसमें से घटाते हैं आर ओ वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। यहां पे कौन सा वेक्टर आएगा, जिस पॉइंट पर आपका हेड है और यहां पे जिस पॉइंट का टेल है, ये लिख देंगे और ये आर वेक्टर निकल आएगा। जैसे ये ऐसा क्यों लिखा उसको भी समझा देता हूं। देखो अगर हम ऐसे डायग्राम बनाएं कि एक मैंने एक पोजिशन वेक्टर ना दिया, दैट मीन्स ये आर वन वेक्टर, और मैंने एक ये पोजिशन वेक्टर ना दिया, ये आर टू वेक्टर। अब मैंने देखो हेड किधर बनाया, ये देखो मैंने इसे ए पॉइंट मान लिया, इसे भी बी पॉइंट मान लिया, हेड किधर की तरफ है, बी की तरफ या ए की तरफ, हेड है बी की तरफ और ये आर वेक्टर है, बताओ तीनों में से रिजल्टेंट कौन सा है, इन तीनों वेक्टरों में से रिजल्टेंट कौन सा है, ट्राइंगल वक्र एडिशन लगाएंगे तो आर टू इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर वन और आर सेम ऑर्डर में अरेंज है और आर टू अपोजिट ऑर्डर में अरेंज है, इसीलिए आर टू इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, किसका, आर वन वेक्टर का और आर वेक्टर का। लेकिन अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया हो तो हेड से हेड लगा हो तो वो आपका टेल से टेल और हेड से हेड कनेक्ट होगा, वही रिजल्टेंट होगा, तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट है आर टू, क्योंकि यहाँ हेड से हेड है और टेल से टेल है, तो आर टू वेक्टर रिजल्टेंट है, तो आर टू वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर वन वेक्टर प्लस आर वेक्टर, और यहाँ से आर वेक्टर निकालें तो क्या लिखेंगे, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। अब सोचो आर वेक्टर का हेड कहाँ है, बी पर है या ए पर, तो बी पर, इसलिए बी वाले पॉइंट का आर टू वेक्टर में से घटाया है, बी पॉइंट पर आर टू है और ए पॉइंट पर आर वन है, इसीलिए आर टू में से आर वन घटाया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आर वेक्टर का हेड ओ पे है इसलिए ओ में से ए का घटाया है, तो घटा दें तो ओ में से घटाएं तो जीरो आई कैप प्लस जीरो के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, तो देखो ये इसे से घटाएंगे तो ये वाला साइन चेंज हो जाएंगे, जे कैप प्लस का और आई कैप माइनस का, देखो ये आर वेक्टर निकल आया है। अब आर वेक्टर तो निकल आया है लेकिन हमें निकालना है टॉर्क, एफ वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें एफ वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है कितना, माइनस का एफ के कैप, ये माइनस का एफ के कैप ये हमें गिवन है, तो इसीलिए टॉय वेक्टर निकालें तो टॉय वेक्टर इज इक्वल टू हम आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिखेंगे। तो देखो अगले पेज पे बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पर आर क्रॉस एफ की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ है ना, तो टॉय वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, जे कैप माइनस आई कैप क्रॉस, और इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये है माइनस का एफ के कैप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो इसका इसमें कर लो तो माइनस का एफ जे क्रॉस के, ध्यान रखना जे पहली पोजीशन पर है के दूसरी पोजीशन पर है तो जे पहली पोजीशन पर रहना चाहिए जे क्रॉस के। अब इसका इसमें कर लो तो माइनस माइनस प्लस, आई पहली पोजीशन पर है के दूसरी पोजीशन पर, तो आई पहली पोजीशन पर रहना चाहिए, चेंज नहीं करना उसकी पोजीशन, एफ आई क्रॉस के, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। आप चाहो तो इसे डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकते हो, बहुत से बच्चे डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं, आई जे के लिख लेते हैं इधर है ना और फिर वो नीचे लिखते हैं, वो आप उससे भी कर सकते हो, मैं ऐसे करता हूँ ठीक है। अब इसको इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो एक बात समझो आई क्रॉस आई होगा तो उसकी वैल्यू जीरो, जे क्रॉस जे होगा तो उसकी वैल्यू भी जीरो, के क्रॉस के होगा तो इसकी वैल्यू भी जीरो। क्यों, क्योंकि आई क्रॉस आई सेम दर्शन में है, और सेम दर्शन में है तो जब क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएं ए बी साइन थीटा एन के, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है थीटा जीरो है, तो इसलिए साइन जीरो जीरो हो जाएगा इसलिए जीरो होगा, ये तो सारे जीरो होंगे, बाकी के जे क्रॉस के वैल्यू कैसी होगी तो उसको इससे करते हैं हम। यहाँ आई लिख लीजिए, यहाँ के लिख लीजिए सॉरी जे, और यहाँ के लिख लीजिए, एरो बना लीजिए ऐसे आई जे के। अगर अब इसमें जे क्रॉस के, तो जे से के की तरफ कोई छोड़ना नहीं है बीच में, जे से के की तरफ चलते हैं हम ऐसे ऐसे, बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए, जे से के ऐसे चलते,
तो बीच में छूट जाता आई, तो छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए जे से के एस चलना है। अगर ऐसे चलेंगे तो एरो की ड्रेस में चल रहे हैं हम, और एरो की ड्रेस में चलते हैं तो प्लस आता है और बचा हुआ आता है आई के, इसलिए प्लस का आएगा, तो माइनस के एफ आई के प्लस आई क्रॉस के। तो देखो आई अगर हम एच चलेंगे आई क्रॉस ए कहीं, तो बीच में छूट गया जे, छूटना नहीं चाहिए, तो आई क्रॉस के हम ऐसे चलेंगे फिर ऐसे, और आई क्रॉस के ऐसे चलेंगे तो इस वाली सिचुएशन में हम इस एरो के कैसे चल रहे हैं अपोजिट दर्शन में, अपोजिट में चले एरो के, छूटना चाहिए नहीं, आई से के की तरफ चलना है, एरो के अपोजिट ड्रेस में चल रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, एरो के ड्रेस में चल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए आई क्रॉस ए के तो नेगेटिव आएगा, और क्या आता है जो बच जाता है, तो बचा जे इसलिए नेगेटिव आएगा, तो एफ और माइनस का जे कैप, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो माइनस का एफ कॉमन ले लूँ तो आई कैप प्लस जे कैप, ये टॉय वेक्टर आ गया, ये इसका आंसर है। आप चाहो तो इसे डिटरमिनेंट मेथड से कर सकते हो, आर आर की वैल्यू आपको पता है और एफ की वैल्यू भी पता है, ये रही आर और ये रही एफ, तो आप चाहो तो इसे डिटरमिनेंट मेथड से करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, बस इसमें कंसेप्ट जो था, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो रहता है कि आर वेक्टर का हेड हमें किधर लेना चाहिए, ठीक, तो वो मैंने आपको बताया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।